पूरी दुनिया के अंदर इतना जबरदस्त शानदार जो इवेंट होने वाला है 31 दिसंबर गुंटूर आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है। अब इसके लिए दोस्तों आज हमारा सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 2022 हमारे जो प्रोग्रामर है उमेश कुमार सर जिन्होंने जो कि हालांकि वो पिछले 12-13 साल से अमेरिका में स्थायी है उसको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सालों का तजुर्बा है और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले इंडिया के अंदर और उसमें भी हमारे ग्रेट मेंटर ऐसे अशोक पुरानी सर जिसका आईटी नंबर है 2123 जिन्होंने एक मोर्चा संभाला अकेले निकल पड़े थे इस सफर में और देखते देखते इस कारवे को आज पहुंचा दिया लगभग लगभग मान के चलिए दोस्तों 1,14,000। तो अब सिस्टम ये जो आगे जा रही है ये 1,14,000 जो लोग अभी अप्रोक्स हैं दोस्तों ये 1,14,00,000 हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सबसे पहला हमारा मिशन है इस सिस्टम को हम आगे कैसे बढ़ाए इस सिस्टम को हम कैसे ऊंचाइयों तक लेकर जाए। तो इसके लिए जो लोग आज इस मंच पर नए हैं जो लोग पुराने हैं और जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे डायनामिक लीडर्स हैं सभी लोगों से मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई काम की वजह से कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आप आंध्र प्रदेश गुंटूर में नहीं आ सकते हो तो भी आप जन योगदान 0.01 BNB का अवश्य कीजिए। जो लोग आज इस मंच पर नए हैं अभी तक उन्होंने शुरुआत नहीं की है उसको भी मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस सिस्टम के लिए ये जो हमारा क्राउड फंडिंग सिस्टम है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्तों। अगर इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है आज अगर हमारे इस प्रोग्राम के क्रिएटर उमेश कुमार सर भी किसी का वर्किंग इनकम किसी का नॉन वर्किंग इनकम उसके कंट्रोल में नहीं है कोई विड्रो का स्विच नहीं है दोस्तों। आपने जो काम किया उसका फल आपको तुरंत मिलता है। तो ऐसी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी लोगों को हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप केवल 0.01 BNB का जन योगदान जरूर दीजिए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि देखिए कि आप सभी को पता है कि सिस्टम की ओर से जो फिजिकल मीटिंग की शुरुआत हुई थी राजकोट से शुरुआत हुई थी इसके बाद में अभी जुलाई के अंदर भावनगर में भी हुई थी और इसके बाद हमारा 1 साल खत्म हुआ हमारा एनिवर्सरी मनाया गया था अहमदाबाद में। तो ये जो सिस्टम के ऊपर जो भार है योगदान की बदौलत
आज आंध्र प्रदेश गुंटूर में जो इवेंट, इतना जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी है 10,000 लोगों की। यहाँ पर मेरे ख्याल से 12-14 हजार लोग जरूर होंगे, जरूर आएंगे। तो ऐसी इवेंट करने के लिए इसमें से जो भी राशि बचेगी वो राशि का हम यूज कर पाएंगे अगले इवेंट के। मान के चलिए ये इवेंट बंबई में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, यूपी में हो सकता है, बनारस में हो सकता है। इतनी जो भी इवेंट होगी उनमें से ये जो राशि बचेगी उनमें से हम इवेंट कर सकते हैं और सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को एक नंबर हम्बल मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप 0.01 बीएनपी का योगदान अवश्य दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट डेट हमारा था, जो था 30 सितंबर, लेकिन अब सभी लोगों की डिमांड थी कि सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो लोग 15 BST नहीं भेज पाए, तो इसके लिए अब उसको 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब लास्ट डेट 15 BUST की है 5 अक्टूबर, मतलब कल का एक दिन, केवल 27 घंटे बचे हैं। अब तो केवल मेरे ख्याल से 26 घंटे ही बचे हैं। तो ये 26 घंटे के अंदर जो जो लोग आंध्र प्रदेश गुंटूर के अंदर आना चाहते हैं, इस इवेंट में वहां पर शामिल होना चाहते हैं, वो लोग अभी से 15 USD भेज दीजिए। और साथ में जो लोग आ रहे हैं वो लोग 0.01 BNB उसको कंपलसरी जन योगदान करना है। तो अब इसके लिए भी बहुत सारे लोग हैं जिसको ये नहीं पता कि भाई 15 BUSD कौन से एड्रेस पर भेजना है और 0.01 BNB कहां पर भेजे। तो आपको ये जो 15 BUSD वो भी एक अलग से एड्रेस में भेजने हैं और 0.01 BNB जो जन योगदान है उसका भी एक अलग से एड्रेस में भेजने। दोस्तों ये जो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, आप सभी को पता है कि ये इंडिया के अंदर इसको न्यू ईयर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद आता है 2024। तो केवल यहां पर आप 15 BUSD आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं दोस्तों 1350, कितने 90 रुपए 92 रुपए में अगर 1 BUSD की कीमत पकड़ता हूं तो वो होते हैं तकरीबन 1350-1375, ज्यादा से ज्यादा 1375 रुपए पकड़ते हैं। तो 1375 रुपए अगर हम देते हैं और 0.01 BNB का जन योगदान करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, है ना। तो आप 15 BUSD देते हो तो उसके बदले में आपको रेलवे का स्लीपर का टिकट का जो किराया है वो आपको वापस मिल जाएगा। रेलवे का स्लीपर का किराया आपको वापस मिलेगा, साथ में आप यहां पर अगर मान के चलिए कि आपकी टिकट, चाहे आप फ्लाइट से आ रहे हो, चाहे आप रेलवे से आ रहे हो, चाहे आप लग्जरी से आ रहे हो, अगर आप 28 तारीख को भी पहुंच गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप 29 तारीख को पहुंच गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 30 तारीख को पहुंचते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद 31st से लेकर अगर चलिए आपका रिटर्न टिकट है 1 जनवरी या 2 जनवरी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो 15 BUSD जो दिए हैं उसमें आपको वहां पर रहने के लिए रूम दिया जाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का डिनर। सोचिए 1300 मैक्सिमम पकड़ता हूं 1400 रुपए, तो ये 1400 रुपए में आप 29, 30, 31, 1, 2 उनमें भी आपका रेलवे का जो टिकट है स्लीपर का, मैं ऐसी 2 टायर 3 टायर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल रेलवे का स्लीपर का टिकट आपको वापस इसका मिल जाएगा। तो भी सोचिए दोस्तों, वहां पर 4 दिन 5 दिन अगर आप ठहरते हो रहने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आप कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन साथ में एक बात और बताना चाहता हूं कि यहां पर अगर आपके साथ में कोई छोटे बच्चे हैं, एक दिन से लेकर 18 साल तक छोटे बच्चे हैं तो उसका कोई फीस नहीं देना है। कोई आपके साथ में छोटे बच्चे हैं अगर वो आना चाहते हैं तो इसका कोई अलग से आपको 15 BUSD नहीं भेजने हैं। ये 15 BUSD केवल कल तक है, मतलब अभी हमारे पास कितने घंटे बचे हैं, 26 घंटे। अगर वो 26 घंटे के बाद पेमेंट करते हो तो आपको लगेंगे कितने, 30 BUSD डबल हो जाएंगे। फिर मत बोलना सर आपने ये नहीं बताया था। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आज के 2 घंटे और कल के 24 घंटे, मतलब 5 अक्टूबर कल के लिए अगर आप पे करते हो तो आपको 15 BUSD देने हैं, इसके बाद आपको देने पड़ेंगे 30 BUSD। अब ये जो 30-31st इवेंट को और बेहतरीन बनाने के लिए यहां पर ये बॉलीवुड की जो एक्टर्स हैं रश्मिता मंदाना, दोस्तों 31st अगर आप कोई भी जगह पर इसका सेलिब्रेट करते हो और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी वहां पर आती है तो कम से कम मेरे ख्याल से वहां पर इसकी फीस होती है लगभग मेरे ख्याल से 1 से 2 हजार रुपए तो कम से कम हमें वहां पर देने पड़ते हैं केवल टिकट के लिए। वहां पर पानी की बोतल भी आपको फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मन चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, चाय कॉफी ब्रेकफास्ट तो मैंने बताया, तो अनलिमिटेड। सोचिए तो रश्मिता मंदाना जो पुष्पा फिल्म की हीरोइन है वो भी वहां पर आने वाले हैं इस इवेंट को और बेहतर करने के लिए। उसके अंदर एक डांस होगा, साथ में मैजिक शो होगा और ब्रेकर शो, मतलब आतिशबाजी भी होगी वहां पर। और जब आप आओगे इसको महसूस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो मैंने कुछ नहीं किया, 15 BUSD से तो इतना एंजॉयमेंट हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों फटाफट से आप अपना 15 BUSD अभी से सेंड कर दीजिए और 0.01 का योगदान कीजिए। अब जो मैंने बताया कि वहां पर आपको सुबह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये 15 BUSD में मुमकिन नहीं है, और मान के चलिए कि आपके अगर आपके जो एक्टिव अप्लायंस है उसको पूछना कि 15 BUSD कौन से एड्रेस पर भेजने हैं, 0.01 BNB है वो भी कौन से एड्रेस पर भेजने हैं, ठीक है।
और फिर भी अगर देखिए आपके पास कोई एड्रेस नहीं है तो सेकेंडरी ऑप्शन में आपको देता हूं, आईडी नंबर आप लिख लेना, 555555, ये भी हमारे पुरानी सर की, अशोक पुरानी सर की आईडी है, उसका रिसीविंग एड्रेस आप आईडी नंबर ओपन करके बीएनबी का एड्रेस को कॉपी करके उसमें भी भेज सकते हो। और एक और आईडी नंबर है 1810 1810। अब आपके मन में और एक ख्याल आता होगा कि सर बीयूएसटी नहीं है तो क्या करेंगे, तो अब अगर आपके पास बीयूएसटी नहीं है, आपके पास बीएनबी पड़े हैं या यूएसडीटी पड़े हैं तो भी आप 15 यूएसडीटी भी भेज सकते हो। लेकिन मेरी बात को सुनना, यूएस को आप क्या, आपको बाइनांस में जाना पड़ेगा, बाइनांस का TRC20 आप अपने एक्टिव अपलाइन को पूछ लेना कैसे करते हैं, उसका TRC20 का एड्रेस उठाना, उसको वहां पर मार्केट के अंदर जाना और वहां से आप उसको बीएनबी या यूएसडी कर सकते हो। यूएसडीटी में से भी आप यूएसडी कर सकते हो, बीयूएसडी में से भी आप बीएनबी कर सकते हो। तो अगर आपके पास बीयूएसडी नहीं है, यूएसडीटी है तो भी वहां से आप कन्वर्ट करके बीयूएसडी कर सकते हो, बाइनांस में जाकर वहां से भी आप इस एड्रेस पर भेज सकते हो। और अगर आपके पास बीएनबी है तो भी आप $15 के बीएनबी भी आप भेज सकते हो। तो आशा करता हूं ये कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर जैसे ही आपने 15 बीयूएसडी के बीएनबी भेजे, मान के चलिए कि आपने बीएनबी भेजे हैं वो 15 बीयूएसडी के, तो जब आप ट्रस्ट वॉलेट से भेजते हो, वो रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करते हो, तो वहां पर आपको पेस्ट करके नीचे एक मैक्स और यूएसडी आता है, नीचे यूएसडी पर क्लिक करोगे तो वहां पर आप 15 लिखोगे तो 15 बीयूएसडी के आपके नीचे शो करेंगे बीएनबी। तो इस तरह आप वहां पर 15 बीयूएसडी के बीएनबी भी भेज सकते हो। क्लियर? जैसे आपने 0.01 बीएनबी और 15 बीयूएसडी जो आपने भेजे हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको वहां से खींचना है। वो स्क्रीनशॉट आपने खींचा, उसका स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट आपको वहां से क्या करना है, मैं आपको नंबर देता हूं, इसके अंदर केवल आप ये, इसमें कोई कॉलिंग नहीं लगेगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है और ये हमारे अशोक पुरानी सर का ही नंबर, ठीक है, इसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ है। तो नंबर नोट डाउन करिए, ये नंबर पे हमें जो हमने भेजे हैं वो ये नंबर पे हमें स्क्रीनशॉट इसको डाल देना। तो ये मोबाइल नंबर है इसका, मैं मोबाइल नंबर आपको देता हूं, 7283 94 और लास्ट में आता है 2321। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मोबाइल नंबर है 7283 94 2321। ये स्क्रीनशॉट आपको वहां पर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, उसमें आपको आपका आईडी नंबर लिखना है। वो स्क्रीनशॉट में जब आप शेयर करते हो तो नीचे आपको स्क्रीनशॉट के नीचे वहां पर आईडी नंबर लिखना है, आपका पूरा नाम लिखना है और आप कहां से हो, आपका सिटी लिखना है। क्लियर? फिर मान के चलिए कि 6 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर, 6 अक्टूबर से लेकर मतलब 6/10/2023 से लेकर 30/11/2023 तक, 30 नवंबर तक
आप 30 BUSD, $30 और BNB इसमें बेच सकते। तो दिसंबर, पहली दिसंबर से आपको $100 आपको पे करने पड़ेंगे, या फिर $100 के आपको BNB पे करने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों अभी से इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आप फटाफट जन योगदान करें और आप अपने टिकट को जल्द से जल्द बुक करवाएं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने मीटिंग के अंदर देखा कि बहुत सारे लोग 9:00 जैसे ही 10 मिनट हुई तो फटाफट फटाफट होते 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 ये होल पूरा 500 का फुल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितनी देरी करोगे ना, ये इवेंट में आपका जो सीट है ना वो इतना ही पीछे जाएगा, लास्ट में आपका नंबर आएगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी मीटिंग को खत्म होने के बाद सोचेंगे, अरे यार कल का दिन बचा है, कल कर देंगे, सुबह कर देंगे, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे, और जैसे ही एक कोई एंटरटेनमेंट या फिर कोई कल से मतलब एक आपको पता है वर्ल्ड कप, जैसे ही वहां पर लोग बैठ गए या फिर कोई आईडी लगाने बैठ गए तो क्या होगा, भूल जाएंगे और परसों बताएंगे अपलाइन को, अरे सर ये तो मैं भूल गया, करने वाला था, आपने मुझे क्यों रिमाइंड नहीं किया, अब मुझे तो दुगने देने पड़ेंगे, 30 BUSD देने पड़ेंगे। तो अभी दोस्तों आप इस मीटिंग को सुनते सुनते भी कर सकते हो। एक बार अगर आप वहां पर आ गए ना तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, और जो लोग नए भी आएंगे उसको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एवरग्रीन सिस्टम क्या है। आपकी जिंदगी, आपके जो भी सपने हैं आपको वहां पर साफ साफ दिखाई देंगे कि एवरग्रीन के अंदर ये हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊं तो आज 1,09,34 नंबर ऐसी आईडी वाले लोग आज 12-12 स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं। आज 70,000 के ऊपर आईडी वाले लोग 13-13 स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि एवरग्रीन सिस्टम क्या है, और क्यों हमें 12 स्लॉट अपग्रेड करने हैं, विक्टर क्लब अचीव करना है, इथ्री प्रीमियम अचीव करना है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अभी आज ही हमारे बीच में ऐसे आईडी नंबर 1555 विनोद सिंह हमारे बीच में है, विनोद सिंह छपरा से जो बिलोंग करते हैं बिहार से, आज ही हमारे विनोद सिंह सर को 10 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिला है। दोस्तों 13वां स्लॉट उन्होंने किया था, उसके दोनों आईडी पर जो 13वां स्लॉट करते हैं और हमारे नीचे एक लोग बंदा करता है, तो दो आईडी में 5-5 BNB मतलब 10 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिला है। अगर विनोद सिंह सर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो एक बार अपना माइक को अनम्यूट करें और लोगों को थोड़ा सा बताइए कि सर आज कितने घंटे पहले आपको मिला। विनोद सर है? हेलो? नहीं सर, नहीं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये था कि जिन जिन लोगों ने आज 12 स्लॉट अपग्रेड कर लिए हैं, 13 स्लॉट अपग्रेड कर लिए हैं, पता नहीं चलेगा दोस्तों कि आपको कैसे कैसे BNB का भरमार नॉन वर्किंग से, वर्किंग तो आप करोगे तो आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन नॉन वर्किंग से भी आपकी जिंदगी सवर सकती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपने अपने स्लॉट को बढ़ाइए
बहुत सारे लोग आज कोई 8वां 9वां 10वां 11वां आप देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाकर देखिए कि लोग आज 9वें 10वें स्लॉट में भरमार लग चुकी है अपग्रेड, क्योंकि उसको पता चल चुका है। और ये जब लोग 12 स्लॉट अपग्रेड करेंगे तब तो भूचाल आएगी। और ये 12 स्लॉट अपग्रेड किए हुए लोग जब 13वां स्लॉट अपग्रेड करेंगे तो सोच लेना, आप खुद सोच लेना कि कितने बीएनपी नॉन वर्किंग आएंगे। तो इसके बाद दोस्तों इसके अंदर ये मैंने पहले बताया कि 10,000 से ज्यादा लोगों की इसके अंदर कैपेसिटी है। इसके अंदर तीन कैटेगरी के अंदर यहां पर तीन कैटेगरी रखी है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी है वीवीआईपी, जिसके अंदर जो भी लोग ज्यादा जन योगदान बीएनपी के रूप में करेंगे, ज्यादा जिन लोगों ने किया है उसको यहां पर रश्मिता मंदाना जो पुष्पा मूवी की हीरोइन है उसके साथ में उसको फोटो खींचने का मौका मिलेगा, और साथ में वीवीआईपी कैटेगरी में बैठने का मौका भी मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा है कैटेगरी वो है वीआईपी, जिसके अंदर 300 लोगों का अप्रोक्स 300 लोग वहां पर वीआईपी कैटेगरी में लोग बैठ सकते हैं। जो जो लोगों ने ज्यादा यहाँ पर जन योगदान किया है वो ऐसे 300 लोग वीआईपी कैटेगरी में होंगे। और तीसरा है जो नॉर्मल सीट्स हैं, नॉर्मल कैटेगरी नॉर्मल सीट्स हैं। इसी तरह तीन कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया है। नॉर्मल कैटेगरी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन आगे बैठने के लिए इसके अंदर हमारे जो जेका फाउंडेशन के जब भी जितने भी जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग भी शामिल होंगे वीवीआईपी कैटेगरी। तो फैसिलिटी तो आपको वही मिलेगी, मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, और अनलिमिटेड आप कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, ये सब फैसिलिटी तो आपको मिलेगी। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप जो आंध्र प्रदेश गुंटूर के अंदर हमारा इवेंट है वहां पर आने के लिए आप अपना जन योगदान और 15 बीएसपी आप जल्द से जल्द पे करिए। तो आशा करता हूं कि आपको दोनों इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये दोस्तों जो हमारा 30 और 31 दिसंबर है वो प्रोग्राम हमारा शाम को 9 बजे स्टार्ट होगा, और सुबह मतलब 30 तारीख को शाम को 9 बजे स्टार्ट होगा और सुबह 4 से 5 बजे तक ये चलेगा। और 31 दिसंबर को भी ये शाम को 9 बजे से स्टार्ट होगा ये हमारा इवेंट, और 1 जनवरी सुबह 4 से 5 बजे तक ये चलेगा। तो ये शाम को क्यों रखा है इसका एक रीजन भी मैं आपको बता दूं। इसका रीजन ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अब थके हुए आएंगे, 30 तारीख को सुबह आएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी करना पड़ेगा, और रेस्ट पे आराम करेंगे, और शाम को 9 बजे जब सभी को पता है कि भाई शाम को एक खुशनुमा एटमोस्फियर रहता है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा रहती है, शाम को लोग फ्रेश होकर आएंगे तो फ्रेश होंगे और इसका एंजॉय कर सके। इसीलिए शाम को 9 बजे इस इवेंट को स्टार्ट होगा और सुबह 4 से 5 बजे तक चलेगा। अब जितने भी लोग वहां पर आना चाहते हैं वो अपना टिकट भी कंफर्म करवाइए, और आंध्र प्रदेश गुंटूर के अंदर आना चाहते हैं तो उसको उसके लिए बेस्ट है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा अगर आप रेलवे से आते हो तो विजयवाड़ा का आप बुकिंग करवाइए, वहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर का अंतर है गुंटूर का, और लोकल ट्रेन वहां पर हर आधे घंटे में आपको फ्रीक्वेंसी है मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना टिकट फटाफट से बुक करवाइए, पे कीजिए, और वहां पर हम सब लोग आपका इंतजार करेंगे। तो हम आइए,
तो सभी लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपने मुझे इतनी शांति के साथ सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।